पैदा होते ही छिपाया गया था। इस बच्ची का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई थी माँ। साइबेरिया में रहने वाली 3 साल की डेरना शपिंगलर एक अनजान मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त है। चाइन से ही डेरना के चेहरे पर होंठ और गाल नहीं है। लोगों के तानों से त्रस्त होकर डेरना के माता पिता उसे सभी से दूर लेकर चले गए। देखते ही बेहोश हो गई थी माँ। एलेना शपिंगलर ने जब अपनी बच्ची को जन्म दिया था तभी समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। डॉक्टर्स ने तुरंत उनकी बच्ची को कंबल में लपेट दिया था ताकि एलेना उसे देख ना पाए। कई घंटों तक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद जब एलेना ने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। दरअसल डेरना का चेहरा पूरी तरह खराब था। उसके फेस पर होंठ और गाल की जगह सिर्फ खून फैला था। डॉक्टर्स ने एलेना और उनके हस्बैंड ज्यूरी से बच्ची को हॉस्पिटल में ही छोड़ देने को कहा, लेकिन माँ बाप ने अपनी बेटी को अकेले रखने से मना कर दिया। ज्यूरी और एलेना ने अपनी बच्ची को पालने का फैसला किया, ना कि अनाथ आश्रम में छोड़ने का। उन्होंने ही नहीं किया एक्सेप्ट। डेरना का चेहरा देख कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। पड़ोसियों से लेकर रिलेटिव्स तक सभी डेरना को अजीब से नजर से देखते हैं। एलेना बताती हैं कि सिर्फ उनकी बहन ने ही डेरना को पालने में उनकी मदद की, बाकी सभी ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। एलेना के मुताबिक वो डेरना को हर जगह साथ लेकर जाते हैं। दोनों डेरना को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन डेरना का चेहरा देख लोग डर जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल ने भी उसका एडमिशन लेने से मना कर दिया था। तब प्राइवेट ट्यूटर के जरिए डेरना की पढ़ाई शुरू की गई। हर 2 सालों में होगी एक सर्जरी। डेरना की हालत सुधारने के लिए इसकी सर्जरी होनी है। अभी तक एक बार डेरना की सर्जरी हो चुकी है जिससे वो रिकवर कर रही है। एलेना ने बताया कि पूरी तरह चेहरा ठीक होने में कई ऑपरेशन की जरूरत होगी, लेकिन वो हर हाल में अपनी बेटी के साथ खड़ी रहेंगी।